नेण्यात आहे. उसळीकरांना लक्षात ठेवा, पुढच्या वर्षी आपण जन्मय होणार आहे हे तुम्हाला काळ्या दगडावरची वेळ आहे. आपण जर आता दुर्लक्ष केलं तर पुढच्या वर्षी वसई तालुका पूर्ण पाण्यामध्ये जन्मय होणार आहे. कारण महानगरपालिकेने कुठल्याही पगाराची गटारी साफसफाई केली नाही, नाल्याची दुरुस्ती केली नाही, नाले गायब झालेले आहेत. नैसर्गिक नाले गेले कुठे? कोणी खाले? कोणाच्या घशात गेले? कोणी घर बिल्डिंग बांधल्या? याची चौकशी झालीच पाहिजे. मित्रांनो बघू नका, आमच्यामध्ये सामील व्हा. धोक्यात वेळा वसई धोक्यात आहे, लक्षात ठेवा. आज आपल्याला माहित असाल तर विरार मध्ये गोवा कॉलेज पाण्यामध्ये गेलं, पहिली सुरुवात तिथून झालेली आहे. हळूहळू आपला वसई जन्मय होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे हा मोर्चा काढण्यात येत आहे आणि जनतेला आव्हान आहे की तुम्ही आमच्यात सामील व्हा. अजून वेळ गेलेली नाही. सतत 2 वर्ष आपण पाण्यामध्ये आहोत, 3रं वर्ष आपण जन्मय होऊ, हे लक्षात ठेवा. ही धोक्याची जनता आहे. आपला विनंती आहे की आमच्यामध्ये सामील होऊन आम्हाला सहकार्य करा. बनाया है तो पानी जहाँ का है, नगर सेवक ही बिल्डिंग बना रहा है, पार्टनर वही लोग है, तो
तो पानी जाएगा कि किधर? आज जो जो पानी का मसला इतना भयानक है कि दो दिन तीन दिन पानी जाता, दो घंटे में पूरा तला हो जाता है, वहाँ से बीमारी फैली है, इसका ध्यान नहीं है। तो ये नगर सेवक चार साल में खाली पैसा कमाने के सोच रहे हैं, एरिया के कोई सोच नहीं रही कि पानी कैसा जाना मांगता है, नाला कैसा होना मांगता है। जो पहले से नाले थे उसमें मिट्टी डाल के बिल्डिंग बनाया, गार्डन में बिल्डिंग बनाया, अभी 111 नंबर है उधर 60 बिल्डिंग बने, गवर्नमेंट की जगह है उधर बिल्डिंग बनी, कैसी बिल्डिंग बनी, मीटर मिला उधर से पानी जा रहा था पूरा खटान के अंदर। हम यहाँ के भूमि पुत्र हो, हमको सब मालूम है नाला कहाँ था, नाला किधर है, अभी नाले सब डुबा डाले। और आपने आपको मालूम नहीं होगा कि जो यहाँ पानी जाने के लिए रास्ता बिल्कुल रखा नहीं है, इसलिए वसई तालुका अगले साल जलमय होने वाली है। हमारी मांग है कि जो प्रशासक है उन्होंने आके जो गवर्नमेंट के जगह पे नाले है वो नाला खुला करना मांगता है। जहाँ नाले पहले चार चार नाले थे, नाला सोपारा का अंदर चार नाले थे, एक समय पड़ा से स्टेशन तक एक भी नाला बड़ा दिखता नहीं, वो नाले गए किधर? सब नाले पे टावर बन गया है। पांडव होटल उस साइड में उधर बहुत नाला था, उधर नाला उधर डाला, उधर बिल्डिंग बन गई है। तो मेरा बोलना है आयुक्त से कि अभी एक साल में ये सब नाले है उन नाले वापिस चालू करना है। जिसने नाले पे ऊपर बिल्डिंग बनाया उनके ऊपर केस होना मांगता है, उनको जेल जाना भेजना मांगता है, यह हमारी मांग है। मांग क्या है कि 20 मिनट की बारिश में कमर तक आपका पूरा रोड में पानी भर जाता है, घर घर में पानी घुस जाते हैं, तो इसका समाधान कैसा है? अगर नगर पालिका को पता है कि 10-20 मिनट में पूरा पानी जमा हो जाता है, दो महीना पहले अगर गटर की साफ सफाई की जाए, अच्छी तरह से गटर की साफ सफाई की जाए, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी भी नहीं। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या क्या गटर के ऊपर अनलीगल बांधकाम करके रखा हुआ है, तो उसका जो भी का जो कचरा है पानी कहाँ जाता है? गटर के अंदर आ जाता है, गटर के अंदर जाकर ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने की वजह से पानी सब ऊपर आ जाता है, सबके घर में घुस जाता है। ये बात नगर पालिका को पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार आयोग से मिलने की कोशिश की कि सर इस विषय में बात ध्यान दो, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि उनको सारी चीज़ पता है। रास्ते में खड्डे हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो खड्डे क्यों होते हैं? खड्डे की वजह से कुछ लोगों को एक्सीडेंट हो गया, दो चार लड़के लोग ऐसे एक्सीडेंट हो गए, गिर गया। अभी वाले साइड में दो बच्चे स्कूल से आ रहे थे, खेलते खेलते गटर के अंदर गिर गए, बराबर है? तो इनकी जिम्मेदारी, इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर पालिका ये चीज़ को पहले ध्यान देने चाहिए। जब तक आयुक्त साहब नीचे नहीं आएंगे यहाँ से कोई नहीं लेगा। आयुक्त साहब से जवाब लिए बगैर यहाँ से कोई जाएगा नहीं। दिन से जाता ही गटर ऊपर है, रोड नीचे है, पानी जाएगा कहाँ? रोड एकदम नीचे है, गटर ऊपर है, आगे गटर ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, पानी जाने का रास्ता ही नहीं। और पंप लगाते हैं पंप लगाते हैं मगर उधर नहीं जा रहा पानी, उधर 10-12 दिन पानी भरा रहता है, पूरा मच्छर मलेरिया डेंगू ये सब होता है। और यूनिटेक में इतना बीमार आदमी हो गए हैं, पूरा डॉक्टर का यहाँ लैन लगा है, पूरा यूनिटेक के 37 बिल्डिंग है पूरा पानी में। अरे खाली करो, खाली करो, 4 मिनट है पूरा पानी में, खाली करो, खाली करो, मार मार रहा है। राष्ट्रीय समाज पक्षांता, राष्ट्रीय समाज पक्षांता, नितिन दादा आगे बढ़ो। अपना रोड जिधर लाइन डालते हैं उधर रोड खोदते हैं, उधर वापस ऊपर रोड बनाते भी नहीं है, ऐसा ही छोड़ देते हैं, पूरा एकदम पानी भर जाता है, उसमें पैर भी जाता है और खड्डा भी हो जाते हैं, चलने को रास्ता भी नहीं है। ये सब इतना समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। शिकायत नगर पालिका का अधिकारी को यहाँ पर आके बात करना है। ऊपर से थोड़ा साफ करते हैं फिर चले जाते हैं, नीचे से पूरा नाला साफ होता ही नहीं है, पूरा 5 फुट का नाला है मगर उसमें 2 फुट तक उतना ही खाली रहता है, दूसरा सब मिट्टी भरा हुआ है, सब पूरा खाली करते नहीं है। बोलता है, मैं बोलता हूँ ऐसा नगर पालिका वाला उधर भी एरिया में आता है मगर उनको बोलता हूँ खाली साफ करो, तो बोलता साफ किया है मगर साफ हुआ होता नहीं है पूरा। मैं नाला सोपारा स्टेशन के बाजू में रहता हूँ, अरिहंत शॉपिंग सेंटर, वहाँ पर आधे से पौने घंटे अगर बारिश कंटिन्यू हो जाती है ना तो वहाँ पर पूरा पानी घुटने तक आ जाता है, और जिसके वजह से हमारे दुकानों में पानी भर जाता है। जो हम लोग का छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, हम लोग छोटा मोटा हम लोग रोड का वगैरह हमारा धंधा चलता है, वो सारा का सारा लाख 1.5 लाख रुपये का माल हमारा पानी की वजह से खराब हो जाता है, तो क्या हमको ये नगर पालिका देने आती है क्या हमको? हाँ, उसका भरपाई कौन?
आयुक्त चोर नहीं तो क्यों नीचे नहीं आ रहे? आना चाहिए ना उसको। हाँ, हम लोग मेहनत से कमाते, एक दो 10-20 रुपए जोड़ जोड़ के हम पूंजी अपने बढ़ाते हैं, और फिर अचानक बारिश के वजह से, पानी भरने के वजह से हमारा पूरा का पूरा सामान नष्ट हो जाता है। कहाँ जाएगा पूरा सामान हमारा? कौन भरपाई करेगा?